हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। जैसे कि आपको पता है, हम सीडीएस के लिए सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है नोबेल प्राइज। क्योंकि आपको पता है कि नोबेल प्राइज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसमें नोबेल प्राइज का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो सीडीएस का हो, एसएससी का हो और कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको सीडीएस का क्वेश्चन सॉरी नोबेल प्राइज का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये स्टार्ट किसने किया था। ये स्टार्ट किया था अल्फ्रेड नोबल जी ने। तो इसके पीछे भी थोड़ी एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार हुआ क्या था, जो अल्फ्रेड नोबल हैं, पहले तो इन्होंने डायनामाइट भी इन्वेंट किया है, ये भी एक बात याद रख लेना। और एक बार क्या हुआ था, जो अल्फ्रेड नोबल जी हैं, ये एक फ्रेंच न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसमें न्यूज़ आई कि इनकी डेथ हो चुकी है। पर एक्चुअल में डेथ नहीं हुई थी, इनके ब्रदर की डेथ हुई थी। वो न्यूज़पेपर वालों ने गलत प्रिंट कर दिया था। तो इन्होंने वो जब न्यूज़ पढ़ी, तो इन्होंने देखा कि इनकी डेथ होने पर किसी भी बंदे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपना नाम बनाऊंगा पूरे वर्ल्ड में। तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति थी, अपनी जायदाद थी, अपनी विल थी, उन्होंने सोचा मैं इसे एक प्राइज़ स्टार्ट करूँगा। और उसका प्राइज़ का नाम फिर रखा गया था नोबेल प्राइज़। तो तब से ये स्टार्ट हुआ था, इन्होंने 1895 में कहा था, लेकिन जब वे स्टार्ट नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था 1901 में। इन्होंने स्टार्ट किया था फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए और लिटरेचर के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम कवर करेंगे जो भी 2018 के हैं नोबेल प्राइज, अभी जो रिसेंटली मिले हैं। और सबसे पहले आता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में इस बार मिला है आर्थर एस्किंजी को और गैरड मोरू और डोना स्टिकलैंड जी को। तो जो आर्थर एश्किन जी हैं, इन्हें मिला है ऑप्टिकल ट्विजर्स के लिए, और जो गैरड मोरू और डोना स्टिकलैंड जी हैं, इन्हें मिला है मैथ्रोजेनेटिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्राशॉर्ट ऑप्टिकल पल्सेस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री के लिए। जो केमिस्ट्री 2018 में मिला है, वो मिला है फ्रांसिस आर्नोल्ड जी को, किसके लिए मिला है, एवोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स के लिए, और जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर जी को, इन्हें मिला है फेज डिस्प्ले ऑफ पेप्टाइड्स एंड एंटीबॉडीज, ये भी याद रख लेना। और नेक्स्ट हमारे पास आता है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। जो मेडिसिन का है, इस बार मिला है दो बंदों को मिला है, जो वो हैं जेम्स एलिसन जी, ये हैं यूएसए से, और दूसरे हैं हमारे पास तसुकु होंजो जी, ये हैं जापान से। और इन्हें किस चीज़ की चीज़ के लिए मिला है, इन्हें एक कैंसर थेरेपी के लिए मिला है, फाइट अगेंस्ट कैंसर करने के लिए, उसके लिए मिला है इस बार इन्हें। और नेक्स्ट आता है हमारे पास नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज भी दो बंदों को मिला है इस बार। पहले हैं हमारे पास डेनिस मुखवेज जी और दूसरी हैं नाडिया मुराद जी, ये भी दो को मिला है इस बार, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट है हमारे पास द प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 2018। मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, उन्होंने चार चीज़ों के लिए स्टार्ट किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और चौथा है जो हमारे पास है लिटरेचर के लिए। पर जो ये इकोनॉमिक साइंस है, ये बाद में स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट किया था स्वीडिश सेंट्रल बैंक है रिक्स बैंक, उसने स्टार्ट किया था ये। और 2018 में ये मिला है विलियम नोर्डो जी को और पोल रोमर जी को इस बार इकोनॉमिक साइंसेज में। और इसे बोलते हैं नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो 2018 में किसको मिला है, विलियम नोर्डो जी को और पोल रोमर जी को। और हाँ, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है इस बार कि इस बार नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए नहीं मिला था, पोस्टपोन हो गया था। हुआ क्या था एक्चुअली, कि जो नोबेल लिटरेचर प्राइज़ की कमेटी है, उसमें एक मेंबर थी, उनके हस्बैंड पर मीटू स्कैंडल का केस चल रहा था। और जो मेंबर थी, उन्होंने क्या किया, अपनी पावर का गलत यूज़ करके उस केस को दबाने की कोशिश की। तो फिर जो नोबेल लिटरेचर प्राइज़ था, इस बार पोस्टपोन हो गया था इसी कारण। तो उसका अल्टरनेटिव दिया गया है इस बार, अल्टरनेटिव नोबेल लिटरेचर प्राइज़, वो मिला किसे है, मैरिस कोंडे जी को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बार, क्योंकि ये इस बार पोस्टपोन हो गया था। तो इस बार सीडीज़ में पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा नोबेल प्राइज़ है जो इस बार पोस्टपोन हो गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बार, जो लिटरेचर गया है, ये पोस्टपोन हो गया था, और इसका अभी अल्टरनेटिव दिया गया है कोंडे जी को। और जो जैसे कि हमने मीटू की बात की, तो ये भी इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि मीटू स्टार्ट किसने किया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये स्टार्ट किया था तराना बर्क जी ने। तो नोबेल प्राइज़ मैंने सभी कवर कर दिए हैं 2018 के, ये सफिशेंट हैं।
तो CDS में एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं इसके। और जैसे कि मैंने आपको कहा लिटरेचर वाला बोला, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, तो सफिशेंट है ये नोबेल प्राइज़, तो ये याद रख लेना सभी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक्स एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, थैंक्स एवरीवन।